लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, वॉलमार्ट में बिकने वाली सबसे ज्यादा चीज कौन सी है? वेल, इट्स अ बनाना, ना ही कोक ना ही चिप्स बल्कि एक बनाना। पर ऐसा क्या है बनाना में जो इसको इतना खास बनाता है, इतना लाउड बनाता है? जिम लवर्स के साथ साथ नॉर्मल पीपल भी बनाना को इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनस वैल्यू। आइए कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स जानते हैं बनाना के बारे में। बनाना एक रेडियो एक्टिव फ्रूट है। रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम है। एक बनाना के अंदर एक माइक्रो साइवर्ट्स की जितनी रेडियो एक्टिविटी होती है। इसका मतलब अगर आप 10 लाख बनाना एक साथ खाएं तो वो डेंजरस होगा, जो कि बहुत नामुमकिन है। अनदर फैक्ट इज़ कि बनाना की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसी रीज़न से ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। बनाना जिस प्लांट पे ग्रो करता है वो ट्री नहीं होता, वो एक हर्ब है। और बनाना फ्रूट टाइप बेरी है। बनाना हेल्प्स टू डील विद मूड स्विंग्स आल्सो। आजकल जो हम बनाना खाते हैं वो डिफरेंट है 1960 से पहले खाए जाने वाले बनाना से। इसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ बनाना, और कुछ तो इवन सीडेड वैरायटीज हैं, उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। आज जो हम बनाना खाते हैं वो कैवेंडिश टाइप का है, जो पिछले 50 सालों से ग्रो किया जा रहा है बाई प्लांटिंग ऑफ दियर स्टेम पार्ट। लेकिन 1960s से जो पहले हम बनाना खाते थे वो था ग्रॉस मिशेल, जो कि दिखने में बड़ा, ज़्यादा स्वीट और थिक स्किन था। पर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ? वेल, द रीज़न एक बहुत ख़तरनाक फंजीसाइड रेजिस्टेंट डिजीज़ है, जिसे कहते हैं पनामा डिजीज़। पनामा डिजीज़ इतनी ख़तरनाक है कि इसने एक साथ पूरे ग्लोब से बनाना को वाइप आउट कर दिया। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जितने भी बनाना फ्लेवर्स आते हैं वो नॉर्मल बनाना से अलग टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्रॉस मिशेल के टेस्ट के होते हैं। जो कैवेंडिश वैरायटी जो आज हम खाते हैं वो पनामा डिजीज़ के खिलाफ ज़्यादा रेसिस्टेंट है, इस वजह से वो अभी बची हुई है। पर एक टेरिफाइंग बात यह है कि एक स्ट्रेन है पनामा डिजीज़ का जो कैवेंडिश वैरायटी में भी पाया गया है। अगर वो स्ट्रेन कैवेंडिश वैरायटी में मल्टीप्लाई करना सीख जाए, एक बनाना से ज़्यादा बनाना में आना सीख जाए, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी कैवेंडिश वैरायटी का बनाना भी वाइप आउट हो जाएगा पूरे ग्लोब से। तो ऐसा हो सकता है कि बनाना ग्लोब से वापस ख़त्म हो सकते हैं। पर हियर इज़ ए गुड न्यूज़ बाई डोजो। विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने बहुत सारे मेजर्स ले लिए हैं कि हम अपनी कैवेंडिश वैरायटी को बचाएं, और बहुत सारी नई वैरायटीज़ ईजाद की हैं जो पनामा डिजीज़ के खिलाफ रेसिस्टेंट है। तो यू कैन श्योरली एन्जॉय योर बनाना फॉर एवर। साइनिंग ऑफ।